किसको रेंगने वाले में से? हाँ, रेंगने वाले से किसको खाया किसको छोड़ दिया? अरे रेंगने वाले में से तो पहले गाय को खाया, बगले माने। अच्छा, रेंगने वाले में से गाय को खाया? हाँ। और गाय को खाया, गेनेनिया को खाया। किसको खाया? गाय को खाया, गेनेनिया को खाया। भैंस खाया, भैंसेनिया को खाया। गेनेनिया क्या होता है महाराज? आप समझे नहीं, हमारा तुकबंदी है। अब गधा खाया गधनिया को खाया, बैल खाया बैलनिया को खाया। बैलनिया क्या होता है? हमारा तुकबंदी है। अच्छा, हमारा सबको खा लिया। सबको खा लिया? हाँ। छोड़ा किसको? बस एक को छोड़ दिया। छोड़ दिया किसको? छोड़ दिया। चारपाई को छोड़ दिया। चारपाई को छोड़ दिया। चारपाई को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आप जानते नहीं है उसके अंदर क्या रहता है। क्या रहता है? अरे भाई खटमल भैया। अच्छा। अरे भाई खटमल भैया, अरे भाई खटमल भैया, खटमल भैया, नोट खाओ रे। अरे भाई खटमल भैया, खटमल को आगे बात करो। छोड़ दिया। उड़ने वाले किसको छोड़ा किसको खाया? उड़ने वाले में से अरे पहले तो कौआ खाया। कौआ खाया कौनिया को खाया। अच्छा। अरे चील को खाया, चिलिनिया को खाया, जटाओ को खाया, जटनिया को खाया। छोड़ा किसको? सब खा लिया। सब खा लिया, एक छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? अरे न कोई उमंग है, न कोई तरंग है, मेरी जिंदगी एक पतंग है। महाराज, मैं पतंग को छोड़ दिया। छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कहा पुराने के लिए। हम खुश हुए, हम भी खुश हुए। महाराज, लेकिन महाराज ये महाराज इस दरबार में सभी के सभी है, चार बार चाची नहीं है। इसलिए महाराज तुम जाकर के पता लगाओ कि तार का चाची है कहाँ। हमार देखो, जब हम लोग मैथिल में रहते अपना परिवार सजता है, इस समय अगर इस समय तार का चाची रहती है हमारे दरबार का आनंद में कुछ और रहता है, बढ़ जाता है। लेकिन आज तार का चाची की उपस्थिति नहीं हुई। कारण क्या है? अभी तक वो दरबार में हाजिर नहीं हुई, इसलिए जाओ पता लगाओ। पता लगाए कि तारा चाची समय कहाँ है, क्या कर रही है। और सुनो, तारका चाची से कह लेना, यदि तारका चाची मिल जाए तो क्या कहेंगे महाराज? चाची तुम्हारे लिए महाराज अनेकों भैंस गधे काट करके रखे हैं खाने के लिए। क्या देंगे चाची? चाची तुम्हारे लिए महाराज खुद कट के पड़े। गलता हो गया। महाराज कट के नहीं पड़े। आप कैसे कट के पड़े? महाराज रखे खाने के लिए। जाओ गधे काट के रखे, गधे जल्दी जाओ। भाई नौकरी की है तो जाना ही पड़ेगा। मेरी चाची तू जल्दी से आ कि चाचा बुलाते। मेरी चाची तू जल्दी से आ, चाचा बुलाता है। मेरी चाची तू जल्दी से आ कि चाचा बुलाते। पता लगाने जा रहे
कहावत चला चाची के दुआरिया दुनिया से सारा नाता तोड़ के चला चाची के दुआरिया दुनिया से सारा नाता तोड़ के चाची चाची कहाँ चली गई चाची कहाँ गई है जब सबको पता है यहाँ पर मारी सुबह का पुलिस आने वाला है कौन बोटा करके रख गए यहाँ पर जानते नहीं है यहाँ प्रधान जी कौन है अरे साहब करवा जी क्यों सर कोई बात अरे प्रधान जी यही सब करते हैं क्या साफ करवाए अरे भैंस मर गई है तो क्या प्रधान जी यही सब करते हैं क्या करेंगे अरे प्रधान जी का काम है सब चलिए कोई बात हम ही हटा देते हम ही कर देते हम ही करते थे प्रधान जी को दया करते अभी देखो यहाँ से खाकर फेंकूंगा वहाँ तो सोचता था हल्का बोलता है लेकिन ये तो बहुत वजन कोई बात नहीं इसमें कोई हंसने की बात नहीं है अरे इधर से उठा तो क्या हुआ इधर से तो एक तारुका है और तारुका के 7,000 हाथी की ताकत वाली तारुका है साधारण नहीं है ये उठ नहीं है ओ तो उठ के नहीं फेंका सकता इसको ढमलाते 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 ही गिरा देता हमारे देश सबसे अरे ये तो ओ लग रहे हमारे चाची है यहीं पर गधा भैंसा खा के सो गई हम तो सोचते थे बोट अभी पहले इसका दूध पी ले उसके बाद यहां से जगह लेंगे नहीं तो कहेगा देख हमारे बाप अरे मेरे लिए मक्खी का चटनी बना के रखा है मच्छर का भुजिया बना के रखा है पहले दूध पी लेते हैं चाची अब जगा दे चाची ओ चाची काहे नहीं जा चाची अरे ये तो पैर है चाची आप क्यों नहीं जाते चाची हो चाची चाची क्या हो गया चाची को नहीं जाते अरे धरकन सब बंद बेटा लगा के देख लो डॉक्टर तो हो यार
अरे हम डॉक्टर है, लाखा जी कुल का मेन डॉक्टर हम ही है, ऊपर डॉक्टर नीचे डॉक्टर, अभी टेस्ट कर लेते इसको थर्मामीटर। आज लगा के थर्मामीटर आज जा तब तो हर घर में, लगा के थर्मामीटर आज जा तब तो हर घर। ये थर्मामीटर थर्मामीटर है क्या लगता है, जैसा डॉक्टर है वैसा थर्मामीटर। अरे 490 डिग्री बुखार लग रहा है, हमारी चाची पंचर मर गई, अभी जाके महाराज को बताते हैं चाची मर गई। चाची का पता लगा, चाची का सब पता लग गया, क्यों नहीं लगा चाची, क्या पता लगा महाराज, चाची ऊपर चली गई। घायल महाराज, कार चाची ऊपर गई है, ऊपर चली गई, मुनियों को पकड़ पकड़ के खाने के लिए। ये नहीं मारा, फिर क्या, फिर क्या, पंचर हो गई। चार का चाची कोई 200 तरह की चाका नहीं, जाओ की पंचर हो जाए। महाराज चाची मर गई, चाची मर गई, क्या कहा, चाची मर गई, घायल हो, 60,000 हाथी की बल रखने वाली टाइम का चाची को किसने मारे महाराज, 80,000 हाथी को बल रखने वाली तारका चाची को मैंने मारा। अरे महाराज, अरे जमा कर दीजिए, ऐसे कैसे हो सकता है, छोड़ो छोड़ो, घायल कम ऑन, चाची को तोने मारा, नहीं मारा, मारा चल कर दिखाओ तार को चाची है कहाँ, चाची को किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा रे, चाची को किसने मारा, तुमने मारा, मारा आपने मारा, तार का चाची को मैं मारा हूँ, आप कैसे मार सकते, चाची आपको मारती है, नहीं मारा, चाची को किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा, चाची को उसने मारा, उसने मारा, पकड़ खिलाओ, पकड़ खिलाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, उसने ही कार का चाचू को मारा है, इसलिए मारा है, चाचू को नहीं मारा, वो नहीं मारा, वो नहीं मारा है, चाचू को किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा है, किसने मारा, मारा, घायल, यह कार का चाचू को इसने मारा है, कैसे मार सकता है इसको, किसने मारा है, चाची को ये नहीं मारा, ये नहीं मारा, ये नहीं मारा है, किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा है, चाची को इसने मारा, इसने मारा, इसने हमको दूध कौन पिलाएगा, जी महाराज, रोने से नहीं होगा, रोने का समय नहीं है।
जिसने तारका चाची को बंद किया है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे बचकर कहा वो जायद है मेरे उस जान से उसे खोज कर लाओगे आकाश से पास जान से घावर अब बेटा दिखाओ तुम अगर सामने से जिसमें खड़ा हो हाँ पहले महाराज को सुन ले यदि तारका चाची को मारने वाले आ जाए सामने तो आप क्या कर लेंगे उसका ऐसे शेर काट करके जमीन में दफन कर देंगे कर दिए देंगे बहुत गधे काटते हैं भर्ती में इसीलिए काटते हैं तुम कितने मेरे भी हो बताइए तो जिसने भी तारका चाची को मारा होगा अरे बचकर वो कहाँ जाएगा मेरे इस जाल से उसे खींच के लाऊंगा आकाश और पताल से आपको मानते मानते टाइम पास हाँ तू क्या करेगा तू क्या करेगा इसका नहीं सुनेंगे ये भी पहलवान है अपना आपको अब महाराज जिसने भी तारका चाची को मारा है सो रहा है नाम पूरे जहान में छूटते हैं वीरों के छक्के मेरे सामने ए गामार अब तुम बताओ कितने बड़े वीर हो हम हाँ अरे हम इतने बड़े वीर है कोई नहीं है क्या करेगा जब चूहा खटपट करता है मैं मुंह ढककर सोता हूँ जब बिल्ली म्याऊं म्याऊं करता है तो प्राण मेरी निकलता है इतने कायर होते हुए भी मुझे लोग बहादुर कहते हैं लेकिन भावन जिसने तारका चाची को बंद किया है वह इसी जंगल में होगा बिल्कुल इसी जंगल में इस जंगल से बाहर नहीं गया होगा इसलिए तुम जंगल को घेर लो नाकाबंदी कर लो नाकाबंदी सुन तो इस जंगल के अंदर प्रवेश कर जंगल के अंदर प्रवेश कर और चाची को मारने वाला जहां कोई भी मिल जाए तुरंत वहीं से आवाज लगाओ हम अपनी पूरी सेना को लेकर के पूरे इस बक्सर बल को घेर करके रख रहे हैं और पता बहुता ही हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे जाओ पता लगा कर क्या किसने मारा है जाओ जाओ पता लगा करो पता लगाओ तारका चाची के बोलो दूध पिएगा दूध नहीं दूध नहीं पिएंगे एक गिलास जाए तुम से लेना अरे प्रेम से दे रहे हम नहीं पिएंगे अरे हमारे महाराज बोले घुबरा दूध प्रेमी है उसको भी नहीं पीने दे ओ कहे थे कि आज मंजूर नहीं क्या मंजूर नहीं वो दूध नहीं पिएगा घर भावर मैंने कहा था युद्ध करने के लिए युद्ध और क्या तो तुम जाकर के दूध पिलाने लगा अब फिर उसे कह दो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ लड़ाई रिसुम रिसुम आओ ठीक ठीक महाराज सोचा दूध नहीं समझा होगा दूध के स्वागत किया कहा कि जाके कहो लड़ाई क्या है बस एक पीस लड्डू हम नहीं खाएंगे जाओ तुम खा लेना अरे देसी घी में बना है हम कह रहे हैं नहीं खाएंगे एक पीस जाओ तुम खा लेना करक लगता है ठीक लेती बोलो लड्डू खाओगे लड्डू नहीं बस एक पीस तुम खा लो अरे देसी घी बना अरे प्रेम से दे रहे हैं जाओ तुम खा लेना नहीं खाओगे नहीं कुबरा एक पीस लड्डू अरे कब से जुआ फर गया होगा ये आकर के बताओ किसने तारका चाची को मारा है महाराज तारका चाची को
जिसने मारा है ओ, 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 कुबरा ने मरवाया है ये देखा है। बोलो यदि तुम बचना चाहते हो राजस्थानों को छोड़ करके यहाँ से भग जाओ, अन्यथा तुम मारे जाओगे। ये मारूफ का सामना है, कोई कुल जैसे बच्चों का खेल मार रही। छत्रे कुल का बालक हूँ, छत्रे कुल का बालक हूँ, राम नाम कहलाया हूँ, तो जैसे दुष्टों को बस करने के लिए करता दंड भोग से लिप्त गए, राज खोलूंगा घर घर से, राज से फैसले से मस्त पैर क्या जाओगे अपने कोर्ट के आगे मैदान में, कोर्ट के आगे मैदान में यदि तुझे अभिमान है जीत जाएगा हम दोनों में, कौन वे पहलवान हर्षा भजन तो जल है सच्चे योद्धा का लक्षण है, मैं ना जो मैंने करती है रात पिंजरे में जल्दी बैठी है, बकरी जो मैंने करती है ये गले खड़ी फेर बैठी है। आयुद करो क्या करने जा रहे हैं? युद्ध करने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं हमसे बिना पूछे। ओ तुमसे पूछना होगा। नहीं महाराज हमसे क्यों पूछेंगे महाराज? महाराज ये देखिए, ये क्या है? इसको आप लाल झंडी समझ लीजिए। अच्छा इसको लाल झंडी समझ ले। हाँ लाल झंडी समझ ली। जो काला है? अरे इसको लाल समझ ली। अच्छा ये समझ लिए, ये जब गिरेगा एक का मर्डर। किसका मर्डर? आपका मर्डर। दुश्मन का है, दुश्मन का इसका इसका मर्डर होगा। एकदम सही बता रहा है। दिन भर राम, दिन भर पान राम ते मारा, सतजो गंगा सागर पारा, दिन भर पान राम ते मारा, सतजो गंगा सागर पारा। क्या हुआ? बाण का गोला का हमार ये रहा, देखो तो इसकी। क्या हुआ है? महाराज उड़ गए। महाराज उड़ गए? हाँ चलिए भाग लेते चलिए। अभी युद्ध करेंगे, अभी युद्ध करेंगे। करिए करिए महाराज, जल्दी जल्दी युद्ध करिए जल्दी। चलो ओ नादान बालक, एक नारी को मारकर फैला रहा है बाण, दुष्ट तेरे सामने आप पहुंचा सुबह। जादू यज्ञ बोलेगा, जादू यज्ञ बोलेगा, सहन हम से जाएगा, नाक पकड़ के घसूंगा, दांतों से कोट बांधूंगा। मुझे छेदो, मुझे भेदो, मुझे छेदो, मुझे भेदो, नहीं है तीर में शक्ति जकड़ने और पकड़ने की, नहीं जंजीर में शक्ति मुझे दस करके सुना दे, कहा है नाग में शक्ति। अरे बहुत दिन तुम सोए हो, मतमल और गदे रहते, आज तुझे मार मार के सुलाऊंगा, एक में टिकट ओ चलो। पावक सर सुबह तुम्हें मारा, अनुजन सागर खंड को सुखारा, पावक सर सुबह तुम्हें मारा। हुआ महाराज मर गए? हाँ महाराज मर गए, कहे थे नहीं युद्ध करने के। महाराज को पहले हटाओ यहाँ से। हटाए? हाँ हटाओ, हमें को हटाना पड़ेगा। हाँ तो कौन हटाएगा? ठीक हटा देते, जल्दी हटाओ गंद महाराज। गंद मार रहा है पता नहीं क्या खा के मारा, ऐसा खा के मारा है, बहुत वजन है। क्या खाया है? ऐसा खाया है।
महाराज हालत खराब हो गया, आप भैंसा खिला देते हैं, हालत खराब हो गया बहाने में, चले चले भाग लेते हैं। नहीं अरे आपका मम्मी पापा रोएगा, युद्ध करना है, हाँ ए, मेरा बोल तारका चाची को तूने ही मारा है। हाँ हमी ने मारा है। ओए पत्थर को घसने से, पत्थर को घसने से कभी मैदा नहीं हुआ, मुझे मार दे ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। उठा के पटक दूंगा, उठा के पटक दूंगा, कौन गिरेगी तात से, नसलिया चूर हो जाएगी, मरम्मत होगी तेरी मेरे लातों से। ओए काल की ज्वाला हूँ, विश्व का महासागर, भूचाल का वेद हूँ, भारत का चक्र, जब तक हृदय में शांति है तब तक भले हूँ मैं, कहीं आ जाऊँ क्रोध में महाप्रलय हूँ मैं। आओ उसको देखते हैं कौन प्रलय है। इसे तो बांध भी नहीं लगा, मर गए। एक हमार हटाओ इसको भी, इसको थोड़ा जगा लेते हैं, कहीं मरा नहीं, कहीं मरा नहीं होगा तो जगा लेते हैं इसको थोड़ा। उठो लाल अब आंखें खोलो, सुसु कर दिए चड्डी, एक हमार ऐसा पान मारा है चड्डी गीला हो गया, हटाओ, हटाना पड़ेगा हमें, हाँ हटाओ, एक घंटा दे दो, चड्डी गीला हो गया, जल्दी करो, जाए जाए, जाए जामार, हटाओ पहले, मरे हुए मुर्दे को मारते हो, झूमे न करेगा इसको। हटाओ जल्दी से, बहुत मारे रहा हूँ, बहुत मारे रहा, अरे घुस गया, बहुत वजन था, क्या खाया था नहीं खाया, गधा खाया था लग रहा है, बहुत मारे रहा हूँ तुम्हें। आप भी युद्ध करेंगे? हाँ हम भी युद्ध करेंगे, तो ये हमारा प्रश्न क्या, अरे मेरा घर से आया तार, मेरी जोरू है बीमार, छुट्टी दे दीजिए सरकार। ए, क्या आया है? हमारे घर से पत्र आया है। पत्र में क्या लिखा है? पत्र में हाँ, हमारी जो मेहरानू है ना, अच्छा उसका कहीं शादी हो, तो उसमें तुमको क्या करना है? उसमें हमको संधि बन के जाना है। तुमको चिंता करे हो, तुम्हारी मेहरानू की शादी हो रही है। अरे तो क्या करें, शादी कर रही है दूसरा, हम नहीं गए बहुत दिन से। अच्छा तो जा रहे हैं। अरे तो उसमें तुमको क्यों जाना है? समझे मन के जाना है, इसीलिए कह रहे थे। घावर युद्ध के समय आया तो छुप कर भागना चाहता है। भागने के तुम्हारा नमक को गाली मत दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम बैठ जाओ, हम तुम्हें जिंदगी भर के लिए छुट्टी देते हैं। बैठ जाए? हाँ जिंदगी भर का छुट्टी। हाँ जिंदगी भर का छुट्टी। अरे तो वेतन लोगे, बैठ गए खड़े खड़े, बैठ जाओ, बैठ कर लेना पड़ेगा। गिनती करो, बिल्कुल बैठ गए, गिनती करो, कितना, वन वन टू थ्री। भैया अभी नहीं बताते तो मार दिया होता। युद्ध करिए आप भी, युद्ध करिए भाई, आपको डाइट हो जाओ, डाइट हो जाते हैं। हे बालक सामने आ, क्या है?
तारका चाची को तुम्ही ने मारा है? हाँ हमी ने मारा है। अरे बच्चे कहा तू जाएगा मेरे इस बुझाओ की जाल से, आज तुझे खींच कर लाऊंगा आकाश और तक। ए पंजा मारो जमीन पर, पानी उछाल दो तुम जैसे बालक को, कचुम्बर निकाल दो। ए बकबक क्या करता है बछड़ी की बच्चे तेरा, आज तुझे चीर कर रख दूंगा सुखी। ए क्षत्रिय कुल का बालक हो, लखनलाल कहलाया हो, तुम जैसे दुष्टों को एक ही बार में मार गिराया हो। आओ करो आओ। मार दिया, अब तो इसके इतना मारेंगे कि फिर प्रभु कहो मंत्री कहाँ से आगमन हुआ? प्रणाम ऋषिराज। हे ऋषिराज, हम जनकपुर से आए हैं, जनकपुर के पत्रवाहक है। जनक जी महाराज पहला प्रणाम बोले हैं, आपके लिए एक पत्र भेजे हैं। लाओ। तब मुनि सागर श्री रामलाल जी। जी गुरुदेव, हम आपको पिताजी से अपना यज्ञ रक्षा करने के लिए लाए थे माइन करके। ये यज्ञ हमारा पूर्ण हुआ, कहो तो मैं अयोध्या पहुंचा दू, नहीं तो एक यज्ञ और है। हे गुरुदेव, और कौन सी यज्ञ है? ये धनुष यज्ञ है, राज जनक जी महाराज ने बुलावा भेजे हैं। हे गुरुदेव, वह धनुष यज्ञ देखने आपके साथ हम दोनों भाई चलेंगे। चलिए रामलाल जी। धनुष फूल श्री रामलाल श्री लखनलाल दिख मग माही खर्ग मृग जीव जन्म पहनाही पूछा मुनि सिया प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा से गुरु जी हमें बताओ मन में सिला कैसी गुरु जी हमें बताओ मन में सिला कैसी Oh,
पत्थर के समान शिला खड़ी है, कैसी है? गौतम नारी श्राप बसा उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। हे श्री रामलाल जी, एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गौतम ऋषि ने किसी कारण वश श्राप दे दिए, ये पत्थर बन गई है, आपको चरण धूल चाहती है, चरण सटा करके उधार कर ले राम। या नारी अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, या नारी अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, इनके सर पे चरण न रखा जाएगा, इनके सर पे चरण न रखा जाएगा, पिताजी सुनेंगे खपा होएंगे, पिताजी सुनेंगे खपा होएंगे, यहाँ दुख का ही प्याला न पिया जाएगा, यहाँ दुख का ही प्याला न पिया जाएगा, यहाँ नारी अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, यहाँ नारी अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, इनके सर पे चरण न रखा जाएगा, इनके सर पे चरण न रखा जाएगा, आप लाए हैं हमको धर्म के लिए, आप लाए हैं हमको धर्म के लिए, ऐसा धर्म से किया जाएगा, ऐसा धर्म से किया जाएगा, यहाँ नारी अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, यहाँ नारी अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, इनके सर पे चरण न रखा जाएगा, इनके सर पे चरण न रखा जाएगा, आप ही सोचिए हे महामुनि, आप ही सोचिए हे महामुनि, यदि गोरा जोसे छुआ जाएगा, यदि गोरा जोसे छुआ जाएगा, हे गुरुदेव, ये तो ब्राह्मणी है, हम क्षत्रिय हैं, इनके सर पे अपना चरण कैसे रखें? हे श्री रामलाल जी, चलिए इसका चरित्र मैं देखा जो है, ब्राह्मणी नहीं, आपकी चरण रज चाहती है, आप चरण रखिए और विशेष बात ना करिए, और आपके इंतजार में ही है, चरण रखिए। हे श्री राम जी, अभी ने उधार करिए, चरण नहीं रख सकते। चलिए अपना तपे बल से मैं चलित्र इसको दिखाता हूँ कि किस कारण से ये पत्थर बन गई है। चलिए गुरुदेव। विश्वामित्र कई बार कहते हैं कि जयकार हो जयकार हो, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सूर्यदेव जी महाराज की जय हो, शुभ दिन हो हमारा, सुबल ये दरबार हो, हम दासों की बनना महाराज के चरणों में स्वीकार हो। सूर्य जी आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे कि राजा हो देवलोक का, कहलाता हूँ सुरपति, देव का सर झुकाते शिव और सूर्य देवी जी। महाराज हम आपसे एक विचार विमर्श लेना चाहते हैं, आज मेरा मन किसी सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहा है, इसलिए आप बताए इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है? हे महाराज, मेरे प्रकाश के अंदर बहुत ही अधिक गर्मी है, इसलिए कोई भी सुंदर स्त्री बाहर नहीं निकलती, आप यह बात चंद्रदेव से पूछिए, चंद्रदेव शीतल है। ठीक है,
मंत्र दे दिए। कहिए महाराज, हम आपसे एक विचार विमर्श लेना चाहते हैं। आज मेरा मन किसी सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहा है, इसलिए अब आप बताएं इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है। महाराज, आप स्वर्ग के राजा हैं। बहुत अच्छी चीज दिखाने जा रहे हैं मकाले बहनो भाई बंधु। स्वर्ग में आपके लिए क्या नहीं है? रंभा बहन का उर्वशी आज अप्सराएं हैं, सच्ची जैसी आपकी रानी, फिर भी आप सुंदर स्त्री की तलाश कर रहे हैं, तो ये बात सत्य है कि मेरे अंदर शीतलता है और मेरे शीतलता के कारण संसार की सभी कौमलांगनी स्त्रियां मेरे छाया में आती। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और गौतम ऋषि की नारी जिसका नाम अहिल्या है, संसार में सबसे सुंदर है। क्या चंद्रदेव, इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री गौतम की पत्नी अहिल्या है। हाँ महाराज। चंद्रदेव, तुम मेरे साथ चलो, आओ। सबसे सुंदर स्त्री और तुम्हारी करनी कितनी रुचि है? एक गुप्तांग के लिए तूने अपने मान मर्यादा को भुलाया है, इतनी नीच हरकत किया है, तो मैं तुम्हें साथ देता हूं, जाओ तुम्हारे सहस्त्रों गुप्तांग हो जाए। अहिल्या, तू पत्थर की तरह खड़ी है, कुछ बोल भी नहीं पा रही है, कैसे बोलेगी तू? अरे तू तो एक पतिव्रता स्त्री थी, तुझे स्वप्न में भी प्राय पुरुष का ख्याल भी नहीं करना चाहिए था। जो पतिव्रता स्त्री ऐसा करती है उसे पाप लगता है, और तूने तो समागम कर लिया। अरे तुझे अंदाजा है तूने कितना बड़ा पाप किया है? तुम्हें अपने पति और प्राय पति में भेद भी समझ में नहीं आया? क्या तुम्हारे हृदय पत्थर का हो गया? बताओ, मैं तुझे साथ देता हूं, पत्थर हो जाओ। आपका जड़ होता है उद्धार की मार्ग, उद्धार की मार्ग को पूछ रहे हैं ना, तो ठीक है, पत्थर तो तू होगी ही, क्योंकि मिर्खा न हो संत करवानी, संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें उद्धार का मार्ग बताता हूं। जब त्रेता के चतुर्थ चरण में भगवान श्री राम का अवतार होगा, वह इसी मार्ग से जाएंगे और उनके चरण की धूलि स्पर्श करने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम पतिता से पावन हो जाओगी और मेरे पास आ जाओगी। पुत्री, कोई पिता अपनी पुत्री को ऐसा श्राप नहीं दे सकता जैसा कि आज एक ज्ञानी होने के बावजूद मैंने तुम्हें श्राप दिया है। पुत्री, मेरा श्राप तो मीठा नहीं होगा, क्योंकि कहीं संतों की वाणी अकाट्य नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे अवस्था में ही तुम्हारे पुत्र होंगे, तुम्हें एक कलंक लगेगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद है वो पुत्र कोई साधारण नहीं होगा, वो पुत्र कोई साधारण नहीं होगा, भगवान का भक्त महान होगा, जिसका नाम हनुमान होगा, जिससे तुम्हारी कृति उज्जवल हो जाएगी। हे पिताजी, आपने जो श्राप दिए हैं उसका उद्धार बता दीजिए। हाँ पुत्र, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। हर एक पिता चाहता है कि अपने पुत्र को सुखमय बनाए,
और मैंने तुम्हें दरिद्र होने का श्राप दिया, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ये पुत्र जिस समय भगवान जनकपुर में आएंगे और आज शक्ति जगत जननी जानकी जी से उनका विवाह संपन्न होगा, उस समय उनके हाथों से तुम्हें दक्षिणा प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, तुम सौभाग्यशाली होगे जो भगवान के हाथ से दक्षिणा प्राप्त करोगी। मेरा शरीर जल रहा है, मेरा भी उद्धार का मार्ग बता दीजिए। चंद्रदेव, ये जलन तो समाप्त हो जाएगा, परंतु ये कलंक, ये धब्बा कभी मिट नहीं पाएगा, ये तुम्हारे ऊपर लगा रहेगा। हाँ, तुम्हें मैं इसका उद्धार का मार्ग बताता हूं। तुम संसार में कलंकित अवश्य कहलाओगे, लेकिन तुम्हारा मान तब बढ़ जाएगा जब भगवान का अवतार होगा, तो तुम्हारे नाम को ही भगवान अपने पीछे लगाकर ही दुनिया में प्रचलित होंगे, राम रामचंद्र के नाम से जाने जाएंगे। ऋषिराज, आपने जो मुझे श्राप दिया उसका उद्धार बताने की कृपा करें। जी इंद्र, सारे फसाद का जय तुम्हें। अगर तुम्हारे हृदयांगन में यह कुपित कामना उत्पन्न नहीं होती तो यह बखेड़ा नहीं होता, लेकिन हम संत हैं, संत कभी किसी का अनादर नहीं करता। जाओ, ये जो तुम्हारे हजारों गुप्तांग हैं, जब भगवान का विवाह होगा उस समय ये सारे गुप्तांग हजारों नेत्र बन के परिवर्तित हो जाएंगे। इस संसार में कोई दो नेत्र से देखेगा, कोई तीन नेत्र से देखेगा, कोई बारह नेत्र से देखेगा, कोई पंद्रह नेत्र से दर्शन करेगा। तुम ऐसे सौभाग्यशाली हो गए जो सीताराम जी का विवाह हजारों नेत्र से दर्शन करोगे, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। मैं नारी या पावन प्रभु जग पावन कामन निपुण सुखदाई दादी व भावलोचन भय मोचन पाई पाई तर नहीं आई मुनि साप जो दीना अतबल तेरा।